नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हमें एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो करंट अफेयर का है, जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक का नाम है संघई सहयोग संगठन, क्योंकि आपको पता है संघई सहयोग संगठन की इस बार जो नई सबमिट की गई है, और संघई सहयोग संगठन से क्योंकि भारत इसका मेंबर भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना अपने आप में एक छोटी सी बात है। मेरा दावा और विश्वास भी है मुझे, क्या भारतवर्ष से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम देते हैं, तो एक या दो क्वेश्चन आपको संघाई सहयोग संगठन से मिल जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। इसलिए इस सेशन को बहुत बारीकी से देखिए और एक कॉपी और नोटबुक लेकर के बैठिए और इसका एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। इसमें मैं आपको सबसे पहले थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद 25 MCQ हैं उनको लगवाऊंगा। अगर आपने थ्योरी ठीक से समझ ली, ठीक से थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप MCQ बड़ा सरलता से कर इजी तरीके से कर ले जाएंगे मित्र, ये मेरा वादा है। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है इस मामले को लेकर के, क्योंकि आपको आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करता हूँ मैं, तो आपका कर्तव्य यह है कि आप सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि इस प्लेटफार्म पर मैं GS के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूँ, करेंट अफेयर आपको गिफ्ट में देता हूँ, इसके साथ साथ हिंदी और रीजनिंग पढ़ाता हूँ भाई। सेशन ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, मुझे अपना भाई मानते हैं, तो इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कॉमेंट सेक्शन मैंने खोल रखा है, आपको जो क्वेश्चन पूछूँ मुझे बता सकते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, तो थ्योरी में सबसे पहले चलते हैं संघाई सहयोग संगठन में। इसकी जितनी भी ABCD है, इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या इसका टारगेट है, भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत को इसमें शामिल होने से क्या बेनिफिट है, ये भी सब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हम लोग करंट अफेयर की दृष्टि से थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि 24वीं जो सबमिट हुई है संघाई सहयोग संगठन की, जिसे SCO कहा जाता है, वो कहाँ पर हुई है, परफेक्ट बनेगा कि 2024 में जो संघाई सहयोग संगठन की जो सबमिट हुई है कौन से नंबर की है। हो सकता है कि यह PCS जैसे एग्जाम में ये फैक्ट बन जाए कौन से नंबर की सबमिट हुई है, तो ध्यान रखना 24वें नंबर की सबमिट हुई है, क्योंकि ये 2024 में हुआ है तो 24वें नंबर की सबमिट हुई है। एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसका जो स्थापना है, इसकी पहली सबमिट है वो 2001 में हुई थी, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं 24वीं सबमिट थी। अच्छा, ये सबमिट कहाँ पर हुई थी, मतलब इसका आयोजन, संघाई सहयोग संगठन का जो आयोजन है मेरे भाई, वो कहाँ पर किया गया था 2024 में, तो ध्यान रखना ये इसका जो आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है, कजाकिस्तान मित्र सेंट्रल एशियाई देश है, मतलब देखा जाए मध्य एशियाई देश है, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध भी देश है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी कैपिटल आप बता सकते हैं अस्ताना है, क्यों अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन क्या की गई है, तो बता सकते हैं बैठक हुई है मित्र, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ये 24वीं सबमिट थी, यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं। मैंने दोनों तीनों फैक्ट आपको यहाँ से क्लियर करा दिए। अब आपको देखते हैं कि आप MCQ कितना सही कर ले जाएंगे, वो आपको आपके सोच पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा इससे आगे कि यह सम्मेलन 3 से 4 जुलाई के बीच आयोजित किया गया था, और इसमें जो इसे करने का जो टारगेट था, जो SCO संघाई सहयोग संगठन है, उसे बुलाने का आयोजन का क्या टारगेट था, क्या उद्देश्य था, आपको पता है जो भी सबमिट होती हैं उसमें को निश्चित एक टारगेट डिसाइड कर लिए जाते हैं कि इसमें ये टारगेट सबमिट के माध्यम से अगले वर्ष ये निर्धारित करना है। तो जो SCO का सबमिट हुआ था 2024 में, इसमें अफगानिस्तान की स्थिरता, आपको पता है अफगानिस्तान में राजनीतिक को लेकर के उथल पुथल है, तालिबान की वापस सरकार है, और रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो युद्ध को क्या करना है, समाप्त करना है, मोस्टली टारगेट यही था SCO का मित्र, ठीक है। इसकी सुरक्षा को लेकर के चर्चा करना मित्र। इस सम्मेलन की ओर से अगर देखा जाए, भारत की ओर से इसमें शामिल हुए थे वो भारत के जो विदेश मंत्री हैं S. जयशंकर प्रसाद, हालांकि ये एक IFS रैंक के अधिकारी रह चुके हैं भाई, बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं,
इन्होंने SCU समिट में क्या लिया, पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी दी थी भारत की तरफ से, और कजाकिस्तान की जो जहाँ पर होस्ट किया गया था अस्ताना में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोयाकेव, याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एक बात बता दें आपको, जो चीज़ चर्चा में रहती है क्वेश्चन वहाँ से आने की 90% चांस रहते हैं। और आज का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वह स्टैटिक जीक को भी करंट अफेयर की दृष्टि से जोड़ करके पूछते हैं भाई, चाहे आप PCS का एग्जाम दे रहे हैं या UPSC का एग्जाम दे रहे हैं। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं तो बताइए, कासिम जोमार्ट टोकाइव, इस तरीके से बता सकते हैं। इन्होंने क्या की थी, इस SCU शिखर सम्मेलन थी, इसकी मेजबानी की थी, क्या की थी, मेजबानी की थी। कहाँ पर की थी, कजाकिस्तान में, किस शहर में, तो बताइए अस्ताना में। कहाँ पर भी भाई, अस्ताना में इसकी सबमिट की गई थी, आप लोग बता सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, बेलारूस को SCU में, मतलब जो 2024 में अस्ताना में सबमिट हुई है, उसमें बेलारूस देश को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि टोटल इसमें अब 10 देश हो चुके हैं, कितने, 10 देश हो चुके हैं भाई, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर पूछा जाता है कि SCU में कितने देश शामिल हैं, तो बताइए कि इसमें वर्तमान समय में 10 देश शामिल हैं। 10वां जो देश शामिल हुआ है वो इसी बार हुआ है, उसका नाम क्या है, तो बताइए बेलारूस नाम है मेरे भाई। क्या नाम है, बेलारूस नाम है, बेलारूस इसमें शामिल हुआ। आपको बेलारूस की कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन बता देंगे कि बेलारूस की कैपिटल क्या है, ठीक है। ये तो 2024 में सबमिट थी भाई, जो 24वें नंबर की थी। अगर पूछिए कि 2025 में इसको कौन सा देश होस्ट करेगा, इसको कौन सा देश होस्ट करेगा, तो बताइए कि इसे चीन होस्ट करेगा 2025 में, और वो इसकी 25वीं बैठक होगी। कौन सी बैठक होगी, 25वीं बैठक होगी, इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। बड़े आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, आप परेशान मत होइए। इस सम्मेलन में रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए थे, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए थे, उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव शामिल हुए थे इस बार, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊंगा, 2023 की बात है, 2023 को 23 में जो SCU की बैठक इंडिया में होस्ट की गई थी, तब ये ऑनलाइन हुई थी, और इसी ऑनलाइन में जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, वाराणसी को SCU की सामाजिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया था। किसको, वाराणसी को 2023 में। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो 2024 में एक चीन का शहर है, चीन के शहर का नाम क्या है, किंगदाऊ, क्या नाम है, किंगदाऊ शहर को 2024-25 के लिए SCU की पर्यटक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। जिस तरीके से वाराणसी को पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था, उसी तरीके से किंगदाऊ को पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, आप लोग बता सकते हैं। मित्र फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं। अच्छा, SCO है जो संघीय सहयोग संगठन है, यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि इसने अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अपने आप को बिठा लिया है। आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना का मोस्टली टारगेट क्या था, वो आपको यहाँ पर लेके चलूंगा। देखा होगा आपने 1946 में सेकंड वर्ल्ड विश्व युद्ध था, वो ख़त्म हो गया था, और वो मोस्टली रूस और अमेरिका बिल्कुल एंटी थे, मतलब USSR और USA थे। अमेरिका ने क्या किया कि विश्व स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाया और उसमें विश्व के अनेक देश शामिल कर लिए, ताकि रूस अगर भविष्य में अमेरिका पर आक्रमण करता है तो वो देश भी अमेरिका को सपोर्ट करें और अमेरिका के साथ मिलकर के वो उस देश पर आक्रमण करें जो अमेरिका पर उसने आक्रमण किया था। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अर्थात इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने क्या किया, जो अमेरिका ने जो सैन्य संगठन बनाया था उसका नाम मित्र नाटो था। क्या था, नाटो। नाटो में इस समय 32 देश हैं, 32वां देश जो शामिल हुआ है स्वीडन शामिल हुआ है, आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है,
ब्रुसेल्स में है, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। और मार्क रूट, मार्क रूट इस समय इसके कौन है, सेक्रेटरी जनरल नाटो के मित्र। और नाटो इस वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, याद रखेंगे मित्र। इसी की तर्ज पर रूस ने क्या किया था, जब 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हो गया, क्या हो गया, विघटन हो गया था 15 देशों में, तो उसमें सबसे बड़ा रूस भी था। रूस यद्यपि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है मित्र, उस समय क्या हुआ था कि उसने सोचा, रूस ने, क्योंकि जो विभाजन हुआ था वो छोटे छोटे देशों के रूप में टूट गया था यूएसएसआर, और वो देश कहीं बिखर रहे थे, उन पर कहीं अमेरिका अधिकार न कर ले, या चीन उसके बिल्कुल पास में था, चीन के ये देश सटे हुए थे, कहीं चीन अपनी साम्राज्यवाद नीति कारण उस पर अपना अधिकार न कर ले उन देशों पर। इसलिए रूस ने क्या किया, एक चाल चली, एक न्यू पॉलिसी चली, और न्यू पॉलिसी चलते उसने रूस चाइना से हाथ मिला करके एक अमेरिका के विरुद्ध उसने एक संगठन बनाने की बोला, जिसका नाम क्या था, संगई फाइव था। ये इसने कब चाल चली थी, कब पॉलिसी चली थी, वो 1996 में चली थी मित्र। इसलिए नाटो की तर्ज पर ही संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई है, मोस्टली टारगेट मित्र इसका यही था। तो यह यूरेशियाई राजनीतिक, किसको, जो यूरेशियाई राजनीतिक, यूरेशियाई राजनीतिक का मतलब नाटो, कि आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित करना है, उसी तर्ज पर इसकी स्थापना की गई है नाटो की, संघाई सहयोग संगठन की। अच्छा, इसकी जो स्थापना थी, इसका जो गठन है, 15 जून 2001 को हुआ था। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी, और जब स्थापना की गई थी तो उसमें इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश में इसमें शामिल थे मित्र, ठीक है। यद्यपि इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 में, तब इसे संघाई कहा जाता था, संघाई फाइव कहा जाता था, तब इसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ है, जब 2001 में ये शामिल हुआ है उज्बेकिस्तान, तब इसे संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। पहले से क्या कहते थे, संघाई फाइव कहते थे, ठीक है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, 2001 में हुई है, और संघाई की फाइव की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। जब इसमें उज्बेकिस्तान कंट्री शामिल हो जाता है, तब इसका नाम बदल करके क्या रखा गया था, संघाई सहयोग संगठन रखा गया था। ये सारे फैक्ट हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, स्थापना एससीओ की कब हुई है, तो बता देना 2001 में, और 2002 में इस पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, और जिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे वो लागू कब हुआ था, तो बताइए 2003 में लागू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बता देना, सचिवालय इसका कहाँ पर है, बीजिंग में है, जो चीन की राजधानी है। अच्छा बच्चों, इसकी एक बैंक भी है, इसे एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है इसकी खुद की, जैसे उनकी अपनी वर्ल्ड बैंक है उसी तरीके से इनकी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो क्योंकि 1991 में जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसका क्या हुआ था, वो टूट गया था 15 भागों में, ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखिए, इसमें यह बताया गया, ऐसे में रूस ने क्या किया था, रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया, किसने बनाया, रसिया ने, वही बातें हैं जो मैंने आपको जस्ट बताई, वही बातें हैं इसमें। इसे ऐलान के बाद संघाई शहर में हुआ, मतलब जो सबमिट हुई थी 1996 में, इस संगठन की ऐलान जो किया गया था वो संघाई शहर में किया गया था, और इसको उस समय संघाई फाइव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, संघाई फाइव नाम इसको दिया गया था। शुरुआत में इसमें केवल 5 सदस्य थे, कौन कौन से थे, रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। शुरुआत में इसमें कितने देश शामिल थे, तो बता सकते हैं 5 देश शामिल थे, कौन कौन से थे, रूस, चाइना,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान पांच देश थे। 2001 में क्या होता है कि इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो जाता है। उज्बेकिस्तान शामिल होता है तब इसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपके बारे में बताया जस्ट अभी, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जिसे संघाई सहयोग संगठन कहा गया। आगे बताया गया वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। अच्छा, भारत इसमें कब शामिल हुआ है? देखो, छठवां देश तो उज्बेकिस्तान था, इसमें शामिल हुआ था 2001 में। इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई। भारत इसमें कब शामिल हुआ है तो बताना, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ है, सातवें देश के रूप में 2017 में भारत शामिल हुआ था। और अपना पड़ोसी मुल्क बच्चा जो अपना है वह भी 2017 में शामिल हुआ है आठवें देश के रूप में, ठीक है। छठवां देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान शामिल होने वाला। 2017 में भारत शामिल हो गया है, सातवां देश बना, उस समय पाकिस्तान भी हुआ था आठवां देश, ठीक है। नौवां देश है, अगर नौवें देश की बात की जाए जो 2023 में शामिल हुआ है वो ईरान है मित्र। कौन सा? ईरान है, ठीक है, ईरान देश शामिल हुआ है। और जो दसवां देश शामिल हुआ है बेलारूस, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कहीं पर आपको किसी प्रकार की मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। बसरते इसको पूरा देख लीजिएगा। मोस्टली इसका सिद्धांत क्या है, टारगेट क्या है, सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भावना बनाए रखना, एक दूसरे के प्रति सहयोग करना, और राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। मोस्टली इसका टारगेट मोस्टली यही है मित्र, आप लोग देख सकते हैं। वर्तमान समय में इसमें 10 देश हैं, 200 देश के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। अच्छा, 10 देश कौन कौन से हैं, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करा देता हूँ। जैसे ये इंडिया है, और ये भारत की खुफिया एजेंसी है आईबी है, और ये ट्रक है, और ये पाकिस्तान है। इंडिया आईबी, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और ट्रक है, और ये पाकिस्तान है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इंडिया आईबी ट्रक्स K2। मैंने इसलिए लिखा है, K2 पर्वत चोटी का नाम नहीं है, इसमें दो कैसे शब्द स्टार्ट होते हैं जिन देशों के नाम हैं, और इन पाकिस्तान। ये आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको, मैं जानता हूँ इनके जो 10 देश हैं वो सारे याद हो जाएंगे। सबसे पहले आई से इंडिया है मेरे भाई, ठीक है। आई से ये क्या है? ईरान है। पहले आई से इंडिया, फिर ऐसा आई से ईरान है। बी से क्या है? बेलारूस है। टी से क्या है? ताजिकिस्तान है। आर से क्या है? रसिया है। यू से क्या है? उज्बेकिस्तान है। सी से क्या है? चाइना है। इस K2 से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान दो हो गई, और इन पाकिस्तान तो आपका ये रहा मित्र, ठीक है। इस ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी जो आधिकारिक भाषा है SU की, जो आधिकार ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो रसियन है और चाइनीज है। कौन सी है? रसियन है और चाइनीज है। और इसमें जो पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला हुआ है वो मंगोलिया को मिला हुआ है। किसको मित्र? मंगोलिया को मिला हुआ है। मंगोलिया क्या है? इसे पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला हुआ है। यह जो मंगोलिया देश देखेंगे एशिया में ही है, चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में, साउथ रसिया के बिल्कुल साउथ में, और ये भी एक लैंडलॉर्ड कंट्री है मित्र। कैसा है? लैंडलॉर्ड कंट्री, आप लोग याद रखना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका दायित्व तो ये बनता है, कम से कम सेशन को लाइक ज़रूर करते मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, यह पर्यवेक्षक कंट्री बना हुआ है, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, एशियो की जो विशेषताएं वो आपको बताता हूँ, इसकी क्या क्या विशेषता है। अगर देखा जाए विश्व की टोटल जनसंख्या है, उसमें से 40% जनसंख्या जो एशियो घेरे हुए है, ठीक है। एशियो में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या है, और GDP का विश्व का कितना है तो 20% है, और यूरेशियाई क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 80% है। ये तीनों बातें आप लोगों को याद रखना है, तीनों बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए, अपने भौगोलिक महत्व के चलते एशियो क्षेत्र में रणनीति रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने, और एशियो मध्य एशिया को नियंत्रण करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, भारत को इसको क्या लाभ होगा?
वो भी आपको बता दूंगा। मैंने आपको बता चुका हूँ कि नाटो को ध्यान में रखते हुए, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी मित्र, किसकी, एससीओ की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि नाटो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, सबसे मजबूत भी है मित्र। अच्छा, भारत को इसमें शामिल होने से का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले आतंकवाद पर उसे, अगर जैसे तुमने पता है, अच्छी तरह मालूम है, पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता है, तो भारत को इस संगठन में, इसके मंच पर आवाज़ उठाने के लिए एक मजबूत पहल मिल चुकी है, एक प्लेटफार्म मिल चुका है, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान को वहाँ पर नीचा देखना पड़ेगा, वहाँ पर पाकिस्तान को नीचा देखना पड़ेगा। भारत ने अपने इस जो मजबूत पहल है इसको बना लिया है। तो भारत और एससीओ दोनों के लिए आतंकवाद, ऊर्जा और आपूर्ति और प्रवासियों के लिए क्या हो गया है मित्र, बहुत ही फायदे वाली चीज़ हो गई। ये सब बातें ध्यान रखना आपको, ठीक है, आप लोग ध्यान रख सकते हो इन सब चीज़ों को। एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक आर्थिक मंच मिल चुका है, ठीक है। मध्य एशिया देश में प्राकृतिक गैस जैसे तेल के भंडार हैं, भारत अगर एससीओ में शामिल हो गया है तो यहाँ वहाँ से क्या कर सकता है, वो गैस और प्राकृतिक जो साधन है, से ऑयल है, वहाँ से आपूर्ति कर सकता है, क्या कर सकता है, आपूर्ति कर सकता है। और आपने परियोजना का नाम सुना होगा, तापी परियोजना, कौन सी तापी परियोजना जो अधूरी पड़ी हुई है अभी तक, इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया शामिल हैं, ठीक है, इसी तभी इसको तापी कहा जाता है। इसने क्या कर रखा है, रोक रखा था, लेकिन भारत को इसमें शामिल होने के बाद ये पाइपलाइन जो परियोजना है ये पूरी पुनः शुरू हो सकती है मित्र, इसमें सहायता मिल सकती है। अब देखो, कुछ नज़र डालते हैं, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो बताइए संघाई शहर में हुआ था 2001 में। 22वां कहाँ पर हुआ है, तो बता देना 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ है। 23वां कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वाराणसी को पर्यटक या सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। 24वां कहाँ पर हुआ है, अस्ताना में हुआ है। 25वां कहाँ पर होगा, तो बीजिंग में होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, जो 10 देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, जो इसमें 10 देश शामिल हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं, तो मोदी जी हैं। चीन के कौन है, तो सी जिनपिंग है। और बेलारूस के कौन है, जो देखो इसको 100% याद कर लेना, आप इस पे स्टार लगा लें, मन चाहे जितनी, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, किसके, बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है, तो बताइए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्योंकि ये 10वां देश एससीओ में शामिल होने वाला कंट्री है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, मोहम्मद मोखवर कहाँ के राष्ट्रपति है, तो ईरान के हैं। लेकिन मोहम्मद मोखवर ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, अब इनका ये हटा दिए गए, नए राष्ट्रपति चुन लिए गए 9वें नंबर के वहाँ पर, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन करके बताना मुझे कि ईरान के वर्तमान समय में आज राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। कासिम जोमाट तोकायेवे ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। सादिर जवाब जापारोव ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन को जानते होंगे, रूस के राष्ट्रपति हैं। इमोमाली रहमोन को जानते होंगे, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। शावकत मिर्ज़ियोयेवा ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। और अब देखो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। मैं जानता हूँ ये थ्योरी थी, आपके समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ गई हो तो एक बार थम्सअप जरूर कर दें भाई, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने आपको बताया था 2001 में की गई थी संघाई शहर में, ठीक है, जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद 24वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ था, तो मैंने आपको जस्ट आपको बताया था कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, कहां पर, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, आप लोग याद रखना। कजाकिस्तान के किस शहर में आयोजित किया गया था ये पूछा गया है, शहर का नाम पूछा गया है, तो बताना अस्ताना में, ठीक है, अस्ताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो इसमें शामिल हुए थे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। आगे बताया गया है एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को किस शहर में की गई थी, तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि संघाई सहयोग शहर में की गई थी, जो चीन का शहर है, ठीक है। आगे एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे, तो हस्ताक्षर मित्र वर्ष 2002 में हुए हैं, और ये लागू कब हुआ है, तो 2003 में लागू हुआ है, तो बी ऑप्शन का इसका सही है। अगला क्वेश्चन है ये, लागू कब हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ था, जो बता चुका हूँ। संघाई फाइव की स्थापना कब हुई थी,
ये पूछा गया है। तो संगाई फाइव की स्थापना अगर जानते हैं तो बताइए कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी, क्योंकि इन सब के बारे में बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल से बताने की अब ज़रूरत नहीं है। आगे बताया एससीयू का सचिवालय कहाँ पर है, तो मैंने बताया था एससीयू का सचिवालय बीजिंग शहर में। भाई कहाँ पर? बीजिंग शहर में, आप लोग याद रखना। सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ था, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, तो बता देना 1991 में हुआ था मित्र, ठीक है 1991 में हुआ था, आप लोग याद रखना। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष शामिल हुए थे, तो भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे एससीयू में, आप लोग याद रख सकते हो सातवें और आठवें देश के रूप में। ईरान कब शामिल हुआ है, तो ईरान भाई मेरे जो शामिल हुआ है वो 2023 में शामिल हुआ है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, नौवें देश के रूप में। बेलारूस कब शामिल हुआ है, तो बता देना दसवें देश के रूप में बेलारूस 2024 में शामिल हुआ है। पता ही किसकी समझ में नहीं आ रहा है, जिस मेरे भाई बहन की समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि सर हमारी समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है मैं पुनः बताने की कोशिश करूँगा। आगे ध्यान दीजिए, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम पर क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं, तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं, दसवां बेलारूस है भाई। आगे ध्यान दीजिए संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा मित्र दो ही हैं, कौन सी है, दो भाषाएँ, एक रसियन है और चाइनीज है, ठीक है रसियन और चाइनीज, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक कंट्री कौन सा है, तो पर्यवेक्षक के बारे में मैंने बताया था मंगोलिया है, जिसकी राजधानी कौन सी है, उलान बटूर है। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है, उलान बटूर है, और ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है मित्र, भू स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का वार्ता साझेदार देश है, तो ये तीनों देश हैं मित्र, अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, बहरीन, ये सभी हैं, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई, ठीक है। एससीओ में वैश्विक जनसंख्या कितना परसेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि 40% क्या है वैश्विक जनसंख्या इसमें निवास करती है एससीओ भाई, ठीक है। आगे बताया गया एससीओ में जीडीपी कितना परसेंट है, तो मैंने बताया था कि 20% है भाई, कितना 20% है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए यूरेशिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो बता दीजिए 80%, कितना 80% ये यूरेशिया के क्षेत्रफल का है बच्चा, ठीक है। अगला है 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, भारत इसमें हुआ था। 25वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहां पर होगा, तो जो आगे 2025 में होने के लिए जा रहा है वो चाइनीज में होगा, कहां पर, चाइना में होगा, आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कासिम जोमार्ट तोकायेव हैं, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे दिया हुआ है 2024-25 में के लिए एससीयू की पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसमें जो किंगदाओ शहर है, कौन सा, किंगदाओ शहर बना हुआ है, आप लोग याद रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है पहला संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो मित्र ये जो आयोजित किया गया था वो चीन के संघाई शहर में आयोजित किया गया था, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो मित्र ये मेरा सेशन था, अगर आपको रियली अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, साथ ही 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। नए सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।